राजधानी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स पर राष्ट्रीय दिव्यांग सेना की तरफ से आमरण अनशन पर राष्ट्रीय महासचिव नन्हेलाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाकिम सिंह पटेल बैठे नजर आए। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना समय समय पर दिव्यांग जन की समस्या को उठाते रहती है। इसी दौरान नन्हेलाल शर्मा ने बताया कि पूरे देश में दिव्यांगों को समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, जिसमें न सरकार उनका साथ देती है और न ही प्रशासन। रोजगार के नाम पर दिव्यांग जन पीछे रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नाम तो बदल दिया, विकलांग की जगह दिव्यांग रखा है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण आज भी विकलांग भाई बहन रोड पर भीख मांगते नजर आते हैं। मैं जुगल चावला, संरक्षक दिव्यांग सेना और NCP दिल्ली का महामंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आज बदरपुर बॉर्डर पे हमारे दिव्यांग सेना ने अपना दर्द बयां करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, क्योंकि नाम तो बहुत है प्रधानमंत्री जी का, पर काम होना चाहिए। SDM के पास, DM के पास, किसी भी सेवा के लिए जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, ट्रांसपोर्ट हो, गृह मंत्रालय हो, कोई काम नहीं हो रहा इनका, कोई बात सुनी नहीं जा रही। हम सारा देश, आज राष्ट्रीय सेना, आज कहाँ कहाँ से UP से लोग आए हैं, UP से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, और बंगाल से लोग, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, सब लोग यहाँ आए हुए एकत्रित हैं। हम चाहेंगे हमारी प्रधानमंत्री बात सुने और स्पेशल सेल बनाया जाए और रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाया जाए जहाँ जहाँ पॉसिबल है। जय हिंद, जय भारत। मैं भारती, RWA की प्रेसिडेंट व टास्क फोर्स सदस्य, DM डिपार्टमेंट और BJP JJ सेल प्रभारी। मैं अब ये काफ़ी टाइम से मैं ये देख रही हूँ, जो हमारे नन्हे शर्मा जी हैं दिव्यांग सेना के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बीच में महिलाएं दिव्यांग, जो दिव्यांग महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, हमारे भाई, मैं आए दिन ये समस्या देख रही हूँ कि डेली उन लोगों को किस किस स्थिति से जूझना पड़ता है। आए दिन छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जिसके दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें पूरे दिन विकलांग होने के बावजूद भीख मांगनी पड़ती है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा जो अनुरोध है वो ये है कि कम से कम हमारे देश के जो विकलांग है, सभी लोगों पे तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो विकलांग है, हमारे भाई बहन जिनको मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है, तो उनके हाथ में कटोरा न देके उनको ऐसा कोई रोजगार का साधन दिया जाए जिससे वह आगे बढ़ के कुछ कमा सकें, या उनको कुछ छोटे छोटे व्हीकल ऐसे दिए जाएं जिससे वो कमा सके। मेरा नाम नन्हेलाल शर्मा, आज बदरपुर बॉर्डर पे भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आज 10 तारीख है, 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आज इस भूख हड़ताल पे अमरण अनशन बैठने का उद्देश्य है हमारे देश के SSP प्रधानमंत्री जी के पास। हम दिव्यांगों ने एक दर्द व्यक्त किया है कि हम रोड पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारी आवाज़ देश के कोई विभाग नहीं सुनता है, शासन प्रशासन नहीं सुनता है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आज इस अमर अनशन के माध्यम से कि देश के SSP प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी हमारी आवाज़ को सुनेंगे और विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर, अधिकार को लेकर, शिक्षा को लेकर, छोटे छोटे गुमटियों को लेकर, छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के जो एक हमारे प्रमाण पत्र से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, आवास से लेकर, और जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो सरकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, बना रहे हैं, संसद में बना रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए आज हम यहां पर बैठे हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को अपने बारे में बता पाऊं कि दिव्यांग लोगों के लिए आप जो जो पॉलिसी बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। प्लीज़ आप हम लोगों तरफ ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। सेना से हाकिम सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज इस, ये आज हमारी सारे समाज के लोग दिव्यांग, इनके बारे में इतने दुख दर्द हैं। मोदी जी ने दिव्यांगों में जब पहला पद संभाला तो विकलांग से लेके उन्हें, हमें दिव्यांग का नाम दिया, लेकिन इससे अच्छे अगर वो दिव्यांग का नाम ना देके हमें लंगड़ा लूले के नाम दे देते हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने हमें समाज में दिव्यांग तो बुलवा दिया, लेकिन दिव्यांग जैसी व्यवस्था कोई नहीं की। जब तक हम मोदी जी इस चीज़ का बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमें समाज को उठाते रहेंगे हमेशा। जय हिंद, जय भारत।